my god, this is mad. I have never seen anything like this before. गरम गरम चपाती इज कमिंग आउट ऑफ अ मशीन, फूली हुई बिल्कुल, और उस पर यहाँ पर घी लग रहा है, और यहाँ घी लगने के बाद एज यू कैन सी द वुमेन आर कलेक्टिंग ऑल द रोटीज, पुटिंग इट ऑल टुगेदर. आई एम एट वन ऑफ इंडिया बिगेस्ट कम्युनिटी किचन इन बेंगलुरु. Mega Community Kitchen is situated at Gurudev Shri Shri Ravi Shankar's 250-acre ashram in South Bengaluru. Lakhs of visitors from across the country and globe come here to understand and learn the art of living. The visitors also come here with a ray of hope to catch a glimpse of Gurudev and to seek his blessings. आप यहाँ आश्रम में आकर रह सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ आश्रम में रहने वाले लोग इस कम्युनिटी किचन में सात्विक मील्स एंजॉय कर सकते हैं. सात्विक का मतलब क्या होता है, जहाँ हम लोग इसमें गार्लिक ऑनियन ये सब कुछ यूज नहीं करते हैं, इसमें ग्रीन चिली और जिंजर ही खाली यूज करते हैं. The Annapurna Community Kitchen and Dining Area has the capacity to serve over 4 lakh individuals, but on a daily basis about 20,000 meals are prepared. The kitchen staff here prepares thousands of sattvic meals a day, so that's about 50,000 rotis, 3,000 liters of dal, 300 kgs of organic home-grown vegetables, and 1,500 kgs of rice. Now this is nothing short of a miracle. मैं हूँ आनंद जी के साथ, जो इस बड़े से community kitchen के in charge है. तो आनंद जी बताइए, यहाँ कौन सी सब्जियाँ बनती हैं? हाँ, इसमें बहुत varieties होता है. इसमें सबसे पहले तो हमारा क्या आश्रम में जो होता है organic हम लोग ज्यादातर करते हैं. क्या क्या होता है रोज मेन्यू में, चावल आप बताएं? इसमें क्या है, वेराइटीज है, हम लोग डेली अलग अलग वेराइटी का देते हैं. जैसे उसमें दाल होता है, प्लेन राइस होता है, आपका एक कोई भी पुलाव होता है, रोटी होता है, प्लस बटर मिल्क होता है, जिससे डिनर टाइम पे ऐसे ही एक्स्ट्रा फिर एडिशनल सूप हो जाता है, बॉयल वेजिटेबल होता है. तो इस तरीके से हम लोग जो जैसे फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए भी अलग वेराइटीज है. तो आप क्या क्या चाइनीज भी बनाते हैं? सब कुछ बनाते हैं. Well, this is a multi-cuisine community kitchen. यहाँ Chinese खाना भी बनता है for all the global followers who come to the ashram. यहाँ पर काम कितने लोग कर रहे हैं और क्या सिस्टम है यहाँ पे, volunteers हैं? हाँ, किचन में क्या होता है, 200 हमारा स्टाफ है. 200 स्टाफ है, सभी वॉलंटियर्स है एक्चुअली. 200 सभी वॉलंटियर्स आके हमें हेल्प करते हैं, तो वेजिटेबल कटिंग हो गया, कुकिंग में भी आते हैं. As the festive season is around the corner, Gurudev's ashram is expected to see lakhs of visitors pouring in. During this time, the community kitchen serves a crowd of over 4 lakh individuals. The kitchen staff is so warm. Seeing the volumes of food being made and served here is truly a one-of-a-kind experience.